हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं डोरा केक, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। 5 से 10 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाता है और साथ में मैं नटेला भी बनाने वाली हूँ। तो आज जो हम डोरा केक बनाएंगे वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने वाले हैं। मैंने आपको काट कर दिखाया, इससे आपको पता लग रहा होगा कि डोरा केक बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले बने हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बनाकर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले एक बोल लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे 1 कप मैदा। और अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर पाउडर शुगर, यानी हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी डालेंगे। तो मैं इसमें 1/2 कप पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। और साथ में डाल देंगे इसके अंदर मिल्क पाउडर, तो मैं इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। अब एक बार इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीज़ें मिक्स हो गई है और अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। तो दूध मैं इसमें 3/4 कप डाल रही हूँ। दूध डालते वक्त हमें ध्यान रखना है कि एक साथ पूरा दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ऐसा करने से इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी वेनिला एसेंस। तो मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। साथ में 1 बड़ा चम्मच शहद डाल देंगे। शहद डालने से जो हमारा डोरा केक का कलर आएगा वो बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, तो ये मैंने 1/2 छोटा चम्मच डाला है। और एक बार हम फिर से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा डोरा केक का बैटर बनकर तैयार है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो फ्लोइंग होनी चाहिए कि जब हम इसे पैन या तवे पर डालें तो ये खुद से फैल जाए। तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आइए अब हम नटेला बना के तैयार कर लेते हैं। नटेला बनाने के लिए मिक्सी के जार में हम डाल देंगे रोस्टेड पीनट्स। तो मैंने 1 कप रोस्टेड पीनट्स लिया है। आप पीनट्स की जगह हेज़लनट भी ले सकते हैं। और अब हम इसे पीस लेंगे। तो हमें इसे अच्छे से पीसना है जब तक कि इसमें से तेल ना निकलने लगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे पीस लिया है और ये हल्का सा गीला हो गया है क्योंकि इसमें से ऑयल निकलने लगा है। और अब मैं इसमें 1/2 कप पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ और साथ में डाल देंगे 1/4 कप कोको पाउडर और साथ में डाल देंगे इसके अंदर तेल। तो मैं इसमें 4 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल आप कोई सा भी जिसमें फ्लेवर ना हो आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस डाला है। और अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। हमें तब तक ब्लेंड करना है जब तक कि पूरी तरीके से स्मूथ ना हो जाए। तो मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और हमारा नटेला बनके तैयार हो गया है। और अब हम डोरा केक बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन लिया है, पैन को मैंने गैस पर रख दिया है और अब इसके ऊपर मैं ऑयल लगा ले रही हूँ। ऑयल लगा के फिर ऑयल को हमें अच्छे से पोंछ देना है। तो किसी किचन टॉवल से या फिर नैपकिन से अच्छे से पोंछ देंगे। तो हमारा पैन तैयार हो चुका है और अब हम डोरा केक का बैटर डालेंगे इसके ऊपर। तो इसके लिए मैंने कप के अंदर बैटर को ले लिया है। इसी कप से मैं सारे बैटर को डाल के डोरा केक बनाऊंगी। इससे हमारे एक समान डोरा केक बनकर तैयार होंगे। और अब बैटर को डालते वक्त ध्यान रखना है कि सिर्फ सेंटर में हमें डालना है, इधर उधर हम नहीं डालेंगे। ये खुद ब खुद फैल जाता है, इसे फैलाने की ज़रूरत भी नहीं है। और अब मैंने इसे कवर कर दिया है। कवर करके हम इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है और फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो ये जल सकता है। और अब हम 2 मिनट हो चुके हैं तो हम ढक्कन को हटा के चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला पोर्शन है हल्का हल्का गीला लग रहा है, तो मैंने इसे पलट दिया है। और दूसरी साइड भी हम ढककर सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। तो पलट के हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस साइड से भी बहुत अच्छे से सिक गया है। तो हमारा ये वाला डोरा केक बन के तैयार है। मैं दूसरा भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि हमें किस तरीके से बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि बैटर को हमें इस तरीके से डालना है। डालने के बाद इसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद लो फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर इसे पलट कर फिर से 30 सेकेंड्स के लिए हम इसे पका लेंगे। और फ्लेम को हमें बिल्कुल लो ही रखना है। तो हमारा ये वाला डोरा केक भी बनके तैयार हो गया है। बहुत फटाफट बन जाता है, 5 से 10 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाता है। तो अब हम इसके ऊपर नटेला लगाने वाले हैं। तो नटेला हमारा बिल्कुल तैयार है, मैंने इसे बॉटल में डाल के रख लिया है।
धीरे धीरे थोड़ा और थिक हो जाएगा। अभी इतना ज़्यादा थिक नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसे अभी बनाया है। और अब हम इसे डोरा केक के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। नटेला आप कम या ज़्यादा दोनों लगा सकते हैं, ये आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। और अब मैंने इसको दूसरे वाले पार्ट को इसके साथ लगा दिया है, तो हमारे डोरा केक बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से मैं सभी डोरा केक बनाकर तैयार कर लूँगी। बहुत ही फूले फूले और सॉफ्ट डोरा केक बने हैं, बस हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखते हुए बनाना है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत फटाफट बन जाती है और बच्चों को पसंद भी बहुत होती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकॉन पर भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।